देखिए दोस्तों, रोड साइड मुझे क्या मिल गया, ये देखिए। आपने कैक्टस के प्लांट तो देखे होंगे, लेकिन कैक्टस का इतना बड़ा ट्री नहीं देखा होगा। ये देखिए कैक्टस, ये मैं ऐसा पौधा पहली बार देख रहा हूँ। कैक्टस का पेड़ मैंने कभी नहीं देखा और मुझे लग भी नहीं रहा ये कैक्टस एग्जैक्टली कैक्टस की कोई वैरायटी है। पर्टिकुलर कैक्टस नहीं है ये, क्योंकि इस पर कांटे भी नहीं है, या फिर कांटे शायद मुरझा गए हैं, क्योंकि ये दरख्त जो है वो आप देख सकते हैं ये ज़मीन से उखड़ चुका है और इसकी सारी जड़ें जो हैं वो अब निकल चुकी हैं। ये देखिए, अब ये शायद ही मुझे नहीं लगता कि ये कभी उग पाएगा। हालांकि इसकी जो देखिए मेन रूट्स, फिर इसकी जो सेकेंडरी रूट्स, फिर सेकेंडरी रूट से आगे छोटी छोटी रूट्स, लेकिन बेचारा ये पेड़ जो है ये गिर चुका है। और ये देखिए ये पोल भी जो है अब गिरने वाला है, इस ये पोल भी कभी भी गिर सकता है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए ये पेड़ भी जो है शेल पे ही, और ये शेल तो बिल्कुल ही जो है बिल्कुल ही फाइन ग्रेन है। जो वो शेल थी वो फिर भी जो है मोटे मोटे पार्टिकल से कहीं कहीं जगह तो बहुत कम्पैक्ट है, लेकिन ये शेल तो बिल्कुल जो है मिट्टी की तरह है, एक रेत बन गई है, इतने फाइन पार्टिकल्स हैं। तो ये भी जो है पर्पल कलर की शेल है देखिए, लेकिन इस पर जो है फाउंडेशन, किसी भी चीज़ की फाउंडेशन करना मुश्किल है। इसलिए देखिए ये रोड होके जो है ये इस ये जो पोल भी है ये भी गिरने वाला, और ये पेड़ भी जो है इरोजन की वजह से जो है ये भी ये मिट्टी इसको संभाल नहीं पाई और ये गिर गया। ये देखिए, और ये डॉगी जो है मेरे पास क्यों आ रहे मुझे पता नहीं। तो देखिए, ये देखिए क्या इस पे ये पेड़ टिक पाता, इसने तो एक दिन गिरना ही था। ये देखिए, और वैसे भी जो यही पेड़ है, यही वेजिटेशन है जो ये मिट्टी को जो है एक जैसा रख पाती है जकड़ के। देखिए देखिए, इसने अपनी रूट्स में इस मिट्टी को बचाया हुआ था, लेकिन शायद इसने बहुत हिम्मत की, लेकिन ये दम तोड़ चुका पेड़, और ये रोड साइड जो है धराशायी हो गया है। देखिए, तो जब आप कहीं आए तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका, अगर कोई जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से जैसे हम आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जियोलॉजी पढ़नी है। आप कुछ भी देखोगे तो नोटिस करें, आप अपने कान और आंख जो है वो चौकन्ने रखें, आपको कुछ भी वहाँ पर मिल सकता है और आप उसको जो है कैप्चर करें। तो देखिए इसी टाइप का जो ये पौधा, ये जो ट्री गिरा है देखिए, उसी साइड का उसी टाइप का देखिए, इधर और सारे देखिए, मेरी नज़र पड़ी तो देखिए यहाँ पर भी है, फिर इसके ऊपर भी है, फिर उसके ऊपर भी है। तो लेकिन जो है ये लिथोलॉजी जो है इसकी, वो मैंने आपको कहा कि रजौरी में मैक्सिमम जो है आपको शेल मिलेगी और सैंडस्टोन और मार्बल, ये सॉरी लाइमस्टोन मिलेगा। तो जो है ये आप देख सकते हैं कि ये शेल जो है ये बिल्कुल ही भरभरी है। मुझे इसका एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ मैं, देखिए मैं आपको नज़दीक जाके ले जाता हूँ। ये देखिए, तो इसमें बताएं, देखिए ये एक्सपोज हो चुका है, तो इसमें बताएं कहाँ वेजिटेशन टिकेगी। ये तो शुक्र करो इन रूट्स ने, इन मोटी मोटी जड़ों ने जो है इसको, इस एक्सपोजर को जो है रोका हुआ है, वरना ये देखिए, वरना ये तो देखिए, ये देखिए कितना भुरभुरा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा ऐसे ही लाओगे तो ये गिरेगा। देखिए ये देखिए, ये देखिए इतना बड़ा पीस भी गिरने वाला है, ये देखिए, ये देखिए। तो ये जो है एरिया जो है ये वॉलेटाइल है, ये तो वेजिटेशन का कमाल है जो इसने रोका रखा है। ये देखिए, ये मुझे देखिए फिर से लाइमस्टोन का एक बेड मिल गया। ये जो शेल थी इसमें बीच में देखो, ये जो एक वेन टाइप है, ये मार्बल है। मेरे पास SCL नहीं है, SCL मेरे दोस्तों के पास है, वरना मैं इस पर गिरा के आपको SCL दिखाता, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ ये फिज आउट करता। तो यहाँ पर देखिए ये लाइमस्टोन, ये देखिए, ये भी जो लेकिन कोई पक्का नहीं है, ये देखिए ये भी ऐसे ही गिरने वाला है। तो यही रहा कुछ हमारा दिन, चीज़ों को नोटिस किया, कैसे उन चीज़ों को नोटिस किया जाता है ये सीखा मैंने। मैं अपने दोस्त जो पुणे से आए हैं उनको मैं थैंक यू करूँगा,
अभी वो कुछ लोग जो हैं वो दूर चले गए हैं वैन ले वो सॉरी गाड़ी लेके, और कुछ एक साथी जो है दत्ता सर, वो देखिए वो वहाँ पर बैठे हैं, दिख नहीं रहे होंगे आपको। तो अभी मैं सिर्फ अकेला टहल रहा हूँ, तो लेकिन जो पुणे की टीम आई है मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे उनके थ्रू यहाँ आने का मौका मिला, एक नई जगह का देखने का मौका मिला। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात, मुझे इतना जो जियोलॉजी की जो फील्ड पे जो ज़मीनी तौर पे जो जियोलॉजी पढ़ी जाती है उसके बारे में पता चला। तो थैंक यू शिवाजी सर, थैंक यू दत्ता सर, थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू हर्षल भाई, हर्षल बाबर भाई, एंड थैंक यू दिनेश महाजन भाई। तो देखिए मैंने एक ही दिन में आज उनके सारे नाम जो हैं याद हो गए मुझे। सुबह थोड़ी मेमोराइज़ करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन लेकिन जैसे जैसे मैंने दिन काटा तो मुझे अब उनके नाम याद हो गए, और अब तो वो मेरी ज़िंदगी भर की मेमोरीज़ में अब मेरे साथ रहेंगे, मेरे दिलो दिमाग में ये पुणे की टीम रहेगी। और इन फ्यूचर कुछ दिनों में यानी दिसंबर के टाइम पे, क्योंकि साउथ इंडिया में जो है बहुत गर्मी होती है, तो मैं जे एंड के से क्या, मैं अपनी भद्रवाह से बाहर कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब जो है दिसंबर के मौसम में जब साउथ इंडिया में जो गर्मी कम होती है, तो मैं जो है उनसे मिलने पुणे जाऊंगा अपने दोस्त तालिब हुसैन चौधरी के साथ। तो हम जो है दिसंबर के महीने में हमने सोचा है कि हम महाराष्ट्र स्टेट जो है उसको घूमें, तो हम पुणे भी जाएंगे और अपने दोस्तों से मिलेंगे। और आपको पता है कि सब क्यों हम जा रहे हैं, हम तो माया नगरी देखने जा रहे हैं, हम पहली बार मुंबई जाएंगे और मुंबई को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है हमें पुणे की टीम को जो है, और ख़ासकर इनका जो कॉलेज है फर्गूसन कॉलेज पुणे जो है, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। और इनके जो गाइड है, मुझे उनके गाइड का नाम भूल गया, उनकी भी जो है उनको भी थैंक यू करूँगा। और फिर से एक बार फिर से जो है पूरी पूरी अपनी जे एंड के स्टेट, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, पूरी जे एंड के स्टेट के लोगों के बिहाफ पे जो है मैं पुणे की टीम जो आई है उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनका विशेष वेलकम करता हूँ। हालांकि इस बार ये बहुत कम दिनों के लिए आए हैं, आज और कल का दिन और परसों इनकी ट्रेन है, लेकिन 2 दिन मैं चाहूँगा कि ये अच्छी मेमोरीज लेके जाएं और 2 दिन इनके यादगार रहें। और मुझे लगता है कि देखिए अब शायद हमारी गाड़ी भी आ गई है, ये देखिए हाँ ये हॉर्न मार रहे हैं, ये फील्ड करके आगे अब हम जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ बच्चे भी थे जो इधर रोड साइड हैं, ये छुप रहे हैं, देखिए ये क्यों शर्मा रहे हैं, ये तो छुप गया इसके पीछे। क्या क्या नाम है तेरा? ये देखो कितने शर्मीले बच्चे हैं, इससे पता चलता है कि रजौरी के जो लोग हैं वो दिल से कितने मासूम और कितने प्यारे हैं। ये लाइव एग्जांपल मैंने दिखाई है, लेकिन ये रजौरी के बंदे, इनमें कुछ जो है इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, ये कुछ खराब हो गए। तो चलिए अब हम बैठते हैं, और अब रात हो रही है और दत्ता सर भी हमारा वेट कर रहे हैं, अब चलते हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआत जो हमारी हुई थी सलानी ब्रिज से सुबह, तो अभी भी जो है अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। मेरे दोस्त जो है अनलोडिंग कर रहे हैं, जो उन्हें सैंपल्स लाए हैं। मेरे दोस्तों ने सैंपल लाए हैं, वो जो है उनको उतार रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शाम के टाइम जो है एक बार फिर से आपको सलोनी ब्रिज के दर्शन करा दें। तो देखिए रात को भी ये कितना अच्छा ब्रिज लगता है, देखिए ये देखिए तिरंगे की लाइट्स में जो है इसको कलरफुल किया गया है, सैफरॉन ग्रीन एंड वाइट। देखिए ये रात को भी कितना प्यारा लग रहा है ब्रिज। तो मुझे लगा कि शुरुआत मैंने अपनी रजौरी की टूर से इस ब्रिज से की, और अभी जो है आज का दिन का अंत भी जो है अपने व्लॉग का मैं इस ब्रिज से करूं। तो देखिए कितना प्यारा ये ब्रिज लग रहा है, ये देखिए, ये देखिए तिरंगे जो हैं लहराते हुए हवा में, और गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी जो हैं एक
एक अक्टूबर को जो है रजौरी आ रहे हैं, पहली बार शायद हिंदुस्तान का गृह मंत्री रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, तो बहुत ऐतिहासिक पर्व ये रजौरी वासियों के लिए। बाकी इस सलानी ब्रिज की खूबसूरती तो देख के बनती है, देखिए मैं जितना इसको दिखाऊं कम है। ये देखिए अभी मेरा लेंस जो है ये लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी कम है, लेकिन जितना भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपके लिए बेहतर है। बाकी अब मैं जो है अपने बैच अपने दोस्तों के पास चले जाता हूँ, टाइम जो हो रहा है ये देखिए 8:34 हो गया है, और अब जो है मैं अपने दोस्तों के पास चले जाता हूँ। और इसी सलानी ब्रिज से जो है जम्मू के लिए टेम्पो भी मिलते हैं, तो परसों जब हमने जब जम्मू के लिए जाना है तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, हम यहाँ हमें यहीं से टेम्पो मिल जाएगा। तो हाँ जम्मू के टेम्पो यहीं से मिलते हैं ना। हाँ तो देखिए हमारा होटल नज़दीक है, हमारा होटल ज़्यादा दूर नहीं है, हमें यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए ये था आज का दिन, अब होटल में जाना है और रेस्ट करना है। अगर मुझ में हिम्मत हुई तो मैं कैमरा छोड़ के जो है अपने हमसाया तालिब हुसैन चौधरी के साथ जो है थोड़ी मार्केट घूम लूँगा रजौरी की। तो मैंने जैसे फिर से कह रहा हूँ कि रजौरी जो है बहुत खुला इलाका है, देखिए मेन मार्केट भी कितनी खुली है। डोडा में तो डोडा इससे अगर कंपेयर करूँगा डोडा कितना हॉच पॉच है, तो यहाँ पर इतना अच्छे अच्छे जगह खुली जगह, देखिए रोड कितनी खुली है, देखिए कोई हॉच पॉच नहीं है। हेलो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के कि यहाँ पर ज़्यादा इतनी तंगी नहीं है। और मुझे लगता है मेरे सारे दोस्त जो हैं रूम में चले गए हैं, अब मुझे भी जाना चाहिए। ये हमारी गाड़ी थी और मेरे सारे दोस्त चले गए हैं, ये तालिब चाचा अभी भी इधर बाहर हैं, तो ये अब हमें रूम में ले चलेंगे तालिब चाचा। आ जाओ, आ जाओ। देखिए का मैंने आपको ये देखिए कि मैं आपका कमरा कहाँ है, ये देखिए रूम नंबर, लेकिन हमें जो है थर्ड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर सॉरी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे हमें जो है रूम मिला। और ये देखिए निकल मैंने अपनी डाली थी धोने के लिए और सो गई है। एंड रूम नंबर 201। तो देखिए ये कुछ हमारा रूम है, और ये देखिए आज की मेहनत देखिए, ये आज पूरे दिन की समरी है। तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन का ये कितनी शिद्दत से और कितने मेहनत से ये चीज़ें गिठी दी हैं। अब इससे ज़्यादा शिद्दत लगेगी इनको पूरे साउथ में पहुंचाने के लिए, नॉर्थ से साउथ पहुंचेगा अब ये सारा सामान। तो तालिब जी एक हमें बताएं, समरी बता दीजिए आज आज के दिन का, तब कर लेते हैं। समरी ये है कि सुबह हमने जो फील्ड वर्क स्टार्ट किया था, हाँ जी वो किया था, बैरगाला से। अच्छा। और दिन में हम कंटिन्यूसली फील्ड वर्क करते रहे, और काला कोट मार्केट, उसके बाद एक जगह वो एक विलेज था ऊपर, क्या नाम है उसका, अजी विलेज करके, अजी विलेज, हाँ अजी विलेज, और वहाँ से वापस आए फील्ड करते करते, फिर काला कोट में हमने चाय पी, तो शाम हो गई, तो उसके बाद हमारा फील्ड वर्क स्टॉप हो गया, और फिर हम गाते गुनगुनाते मस्त सुरों के अंदर, फिर हमने तो कल की भी एक समरी दीजिए, कल का हमारा क्या। हाँ कल का हम आपको समरी देंगे, अभी आधे घंटे के बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि हमारा कल का शेड्यूल क्या रहने वाला है। अच्छा। तो जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हम आप मीडिया वालों को जरूर बुलाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। टी शर्ट पहन लेता मैं तो मैंने मैं इसे पहन लूंगा। ठीक है, पेर ऊपर मैंने पेर है।
6 हाँ मैं सगळ्यात जास्त आवडला होता याचा बेट, खूप भारी होता. काय भरून टाकतो.